डिग्री होल्डर होना और चीज़ है, और एक विद्वान या जिसको हम जीनियस आदमी कहते हैं, जीनियस होना और चीज़ है। यदि हम सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करें, बिल गेट शायद 8-10 पढ़ा हुआ है सारे, ये हेनरी फोर्ड स्कूल गए ही नहीं कभी, जितने भी हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की इतनी बड़ी फिक्र कैसे हो गए कि देवर नॉट एजुकेटेड बट देवर जीनियस, मतलब देवर नॉट डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर और एजुकेशन और जीनियस होने में बहुत फर्क है। ये जो आप, मैं कह रहा हूँ कि आपने बीए करी है, एमए करी है, जो भी करा है, आपने किताबें पढ़ी तो सीख ली, क्लास में फर्स्ट भी आ गई, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गए। पढ़ाई बिजनेस में काम आती है, वो पढ़ाई ये है कि आपको बंदा पढ़ना आना चाहिए, बंदे के मन में क्या चल रहा है, बंदे के मन में क्या चल रहा है। यदि आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, आप उसकी बात सुन नहीं पाओगे, उसके अंदर का कंटेंट नहीं निकाल पाओगे, तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस बने रहेंगे। आपने उसके साथ ये कैसे इंटरेक्ट करना है कि वो आदमी अपनी बात जो मतलब कहीं ना कहीं आपको हिंट दे जाए। कलाकारी होनी चाहिए, बंदा कुछ भी कर सकता है। कलाकारी हुआ है, कलाकारी कैसे आएगी? नॉलेज से। सर जहाँ कमेटी नहीं है, जहाँ नगर निगम है, वहाँ तो सर कमर्शियल फीस भरनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई क्या दिक्कत है यार, आप प्रॉफिट में कितना आ जाएगा। आपको डेवलप करना आना चाहिए। लोग ज़्यादातर मार खा रहे हैं नक्शा बनाने के लिए। उसको नक्शा नहीं ना बनाना होता, उसको तो चाहे तुम ताजमहल दे दो, उसमें भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। और यदि किसी को नक्शा बनाना आता है, वो अपने आप अपने तरीके से वो काम करते हैं। तो ये बनाता है, इसमें ये तीन दुकानें निकाल के इसके पैसे निकालने बाद, तो इसके बाद ये यहाँ तक आ गया 60 फुट, ये यहाँ तक, ये 60 फीट है, ठीक है सर। 15 तो पड़ते हैं, कच्ची दुकान। अच्छा ये फ्रंट में है सर, तीन दुकानें, ये तीन दुकानें यहाँ से निकाल दी। ये रोड आपने ये वो रास्ता वहाँ से ले लिया, वो रास्ता वहाँ से ले लिया, ये और यदि मैं हाँ ये इधर वाला रखना है तो मैं रखे इसको, रास्ता उधर से भी लगा सकता हूँ, पीछे पड़ेगा वो पीछे, और रास्ते में लगे ना पूरा 18 फुट रास्ता, वो लग रहा है 18 फुट रास्ता, 15x60 जो मर्जी कर सकते, जो मर्जी कर लो, किसी से गोल्ड भाई, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहे हैं महंगा है, महंगा फंस जाओगे, फंस जाओगे। 3 महीने सौदा नहीं होने दी उन्होंने, सीएलयू की जरूरत नहीं, यहाँ पर कमेटी है, कमेटी में पीछे बढ़ो बस खत्म हो गए। वैसे लैंड एग्रीकल्चर, ये लैंड है, बड़ी दूर दूर आए, बॉम्बे से भी आए बंदे, बॉम्बे से ऐसा तो नहीं कि बॉम्बे से आके यहाँ पर आपके वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है सर, आपके साथ ही आना चाह रहे थे, हम पेपर में पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ के इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी, या फिर वीडियो देख लिए, प्रैक्टिकली आके देखना समझना एक अलग बात है। सही बात, वो गाइडेंस आपके साथ में जो मिलता है सर, जो आपके अंदर में जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप भी समझा सकते, कोई नहीं सकता, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारे इसमें राइज होकर वीडियो देखे तो हम कहाँ पूछेंगे, ये समझना जरूरी। आप रियल स्टेट में आओगे ना, रियल स्टेट इन रियल सेंस, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। आप फेक स्टेट को रियल स्टेट समझने की कोशिश करोगे तो 100% टेंशन भी टेंशन, फिर आपको डिप्रेशन भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, प्रोस्टेट भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, फिर सब कुछ हो जाएगा। ये समझने की कला उसको समझो क्या होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किस भाषा में बात करनी है। सर जैसे अभी यहाँ लोकल जो डीलर्स है वो मना कर रहे थे इसको खरीदने से, उनसे लोकल डीलर्स से क्या बात किया इस प्रॉपर्टी ने, आपसे क्या बात किया? ये प्रॉपर्टी इंग्लिश बोलती थी और डीलर अनपढ़ थे, ये बात इंग्लिश समझ नहीं आई, सही बात है। दूसरा कि आप अपने इतने साल के एक्सपीरियंस को अगर आप समराइज करो कि इसका क्या प्रिंसिपल है नक्शा बनाने का? प्रिंसिपल ये है, हमने किसी की जेब से पैसे निकाल लिए, ये फौजी साहब खड़े हैं, मैंने इनकी जेब से पैसे निकाल लिए, कैसे निकालूंगा? प्लॉट तो ये भी पहले पड़ा था ना, पहले पड़ा था, पहले इनको नजर नहीं आ रहा था, मैंने इनको दिखाना है, मैंने इनको पकड़ के लेके जाना, ये देख ये नहीं देखते, फिर देख अपने आप आ जाएगा, तीसरे दिन आ जाएगा, चौथे दिन आ जाएगा, हफ्ता नहीं लगता। दिखा दो, बेचने की बात मत करो, आप बेचने की बात करोगे फौजी साहब कभी नहीं आएंगे। ये है मेरे पास, ठीक है, ये 11 एकड़ और 6 एकड़ ये है, ओ दुरापर, ठीक है, और ये हमें 80 लाख रुपए एकड़ में जमीन मिल जाएगी, हो सकता है 70 में मिल जाए, यदि हमें 80 लाख में मिले तो ये हमें 1600 रुपये गज में जमीन पड़ेगी, 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 भी कम नहीं पड़ेगी, ठीक है।
15-16 करोड़। तो यह प्रॉपर्टी यदि हम इसको लेके डेवलप कर लेंगे अपने तरीके, इसका जो फ्रंट है वो बहुत अच्छा, ये कम से कम 15,000-20,000 फीट ग्रेजुएट करने वाला फ्रंट फ्रंट फ्रंट। तो ये प्रॉपर्टी हमने ये ली थी 2019 में, ओह 20 में तो लॉकडाउन हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 2,000 रुपये गज में ली हुई है, ये बोल सिर्फ 2,000 रुपये गज में, कहने की बात उमर जी को 2,000 रुपये गज में मैंने ये प्रॉपर्टी ली। और लेके जब ये प्रॉपर्टी ली थी तब भी मेरे को प्रॉपर्टी डीलरों ने डिस्करेज किया था कि ये शहर से दूर है जी, ये ऐसे है जी, वहाँ जंगल है जी, वहाँ बिकेगी नहीं। तो मैंने वो क्या करते थे, वो वहाँ खड़ के देखते थे प्रॉपर्टी वहाँ खड़ के। और दूसरा नेगेटिव चीज़ में जो उनको सबसे ज़्यादा लगता था कि ये रोड में आ रही है रोड, ये जो है ना ये रोड है जो कहते जी 100, ये रोड मौके पे 122 है, वो कहते जी 150 फुट आपको अंदर जाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने सतवचन, मैंने कहा ठीक है यार आप ठीक कह रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी जब मैंने ली, मैंने सारे एंगलों से देखा इसको, इसकी स्टडी की, तो मैंने इसमें से ये निकाले ये 12 शोरूम, इसमें से 12 शोरूम से 12 शोरूम, ये दीवार, ये दीवार आएगी, ये दीवार, ये 12x50 के 12 शोरूम निकाल दी, ठीक है। मैंने ली थी ये 55 लाख की, 12x50 के ना, 12x50 के इसके मैंने 12 शोरूम निकाल दिए, 6 दुकानें निकाल दी 10x30 की, 18 हो गए टोटल, 18 हो गए, 6x10x30 की 5 लाख रुपये की दुकान, ये 10 लाख रुपये का शोरूम, 1,20,00,000 हो गया, और 6 दुकानें उधर 30 लाख हो गए, कितना हो गया, 1.5 करोड़, 1.5, और ली थी हमें सिर्फ 55 लाख। हेलो एवरीवन, आई एम सुनील भूटानी एंड आई एम द ओनर ऑफ EMA टेक्नोलॉजीज। मुझे राजवंत सिंह मोहाली सर के बारे में YouTube वीडियोस के थ्रू पता लगा था, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो सर के साथ अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का है वो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सर से प्रॉपर्टी के बारे में सीखी, क्योंकि मैं तो आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर हाँ, अब एक साल में बहुत सारी ऐसी बातें सीख ली हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के प्रस्पेक्टिव से या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के प्रस्पेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनको परख सकता हूँ। आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपको सही लगता है YouTube वीडियोस को देखते हुए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप ज़रूर एक बार ट्रेनिंग ज्वाइन करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें आपको भी डेफिनेटली एक बेनिफिट होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कानपुर तो, मैं 900 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हुआ चंडीगढ़ तो मैं कल इतने काला अंब आया हुआ, इतने मैं सर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेती, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैन तो बाद मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया है प्रॉपर्टी नू वेखन का। प्रॉपर्टी तो असी किवें अर्न कर सकते हैं, फेक स्टेट वर्सिज रियल स्टेट, असी लोग हूँ तक फेक स्टेट ही जी रहे थे, बट हूँ रियल स्टेट की है वो मैंने हूँ समझ आया। सर मैं जसविंदर सिंह दिल्ली से, मैं सर से कुछ टाइम पहले ही जुड़ा हूँ, बट मैं जुड़ने के से ये देख रहा हूँ कि सर जो है डेट प्रॉपर्टी को भी कैसे उसको ग्रोथ निकाल सकते हैं, तो मैं यही समझने के लिए, टेक्निकल वर्ड समझने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज जो प्रॉपर्टी की होती हैं या सिस्टम्स होते हैं वो समझने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल फ्रॉम लुधियाना। सर से मैं लास्ट 2 महीने से जुड़ा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, बट 2 मंथ्स में मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई है। इसमें ये ऐसा रहा कि पहले थोड़ी थिंकिंग तो मेरी थी कि कैसे हम मतलब आगे बढ़ें, बट ये कि सर ने हमें ये करना मतलब विजुलाइज करना सिखाया कि हम कैसा बड़ा सोच सकते हैं, जो हम सोचेंगे वही बन सकते हैं। तो सर से हमें काफ़ी लर्निंग मिल रही है, लास्ट 2 डेज से हम यहाँ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो इससे एक ही लाइफ हमारी आगे जाके काफ़ी चेंज हो गई। हेलो, मेरा नाम पंकज कटारिया है और मैं गुड़गांव से हूँ, MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं सर से लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हूँ सर यूट्यूब के थ्रू, और फिर मैंने सर की किताब भी पढ़ी है प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली, उसके बाद मैं सर का ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया था, और अब मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर के साथ मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जुड़ूँ, तो उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिल रहा है। मेरी नॉलेज अगर यहाँ थी तो मैं कहूँगा यहाँ आ गई है, और एक किसी भी प्रॉपर्टी को एक अलग नज़रिए से, एक डेवलपर के नज़रिए से कैसे देखा जाएगा ताकि उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, तो वो नज़रिया हमें सर ने सिखाया है, और हमें बहुत बेनिफिट मिला है इस चीज़ का, और आगे
अगर मैं इसमें काम भी करता हूँ तो इसका बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा मुझे तो, और मेरे साथ इसके साथ साथ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश दिल्ली से प्रॉपर्टी गुरुकुल आया हूँ। नज़र का इलाज तो सब करते हैं, पर यहाँ नज़रिए का इलाज होता है जो इंडिया में पहली बार मैंने देखा, तो इसलिए मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। इट्स ए ट्रेमेंडस ट्रेनिंग, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस ट्रेनिंग से और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था 10 था, तो मैं 100 मान के चल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश मित्तल है, मैं नाभा से हूँ। सर से मिलने के बाद बहुत अच्छी नॉलेज मिली है और विज़न भी क्लियर हो गया है कि कैसे प्रॉपर्टी को देखना है और कैसा उसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि ना, हम प्लॉट वगैरह या उसकी लैंड को ही देखते हैं, उसकी अप्रोच या विज़न को नहीं देखते। ये नॉलेज की कमी के कारण है। सर की विज़न और नॉलेज के चलते मेरे को लगता है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश कुमार। बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ एंड चंडीगढ़ में आया हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। रिगार्डिंग द रियल इस्टेट एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से काम कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में। बॉम्बे के अंदर में देखें तो ऑलमोस्ट मैंने मेजर बिल्डर्स के साथ में काम किया है, जैसे कि हिरानंदानी बिल्डर्स हो गए, फिर लोडा बिल्डर्स हो गए एंड अदर प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। दिल्ली NCR के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन, परी चौक एंड DLF के अंदर में है। अभी यहाँ पे चंडीगढ़ में आया हूँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे एक्सपीरियंस है। बट द थिंग इज़, राजवंत सर का जो गाइडेंस मिल रहा है वो काफ़ी मैंडेटरी है हमारे लिए। उनका एक जो प्रॉपर्टी गुरुकुल का जो एक साइट स्टार्ट किया है एंड जो इंस्टीट्यूट मान लो या फिर एक गाइडेंस मान लो, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस। काफ़ी सारी चीज़ें मिली सीखने के लिए, आइदर इट मे बी रिलेटेड टू द मैपिंग या फिर रिलेटेड टू द गाइडेंस या अप्रोच या डॉक्यूमेंटेशन। उनके पास में एग्जैक्ट नॉलेज है। काफ़ी सारे आप बिल्डर्स के पास में अप्रोच कर लीजिए या फिर काफ़ी डीलर्स के पास में, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर नॉलेज। सो व्हाट द थिंग इज, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉड से बचने के लिए या फिर कुछ भी है, वो सब कुछ राजवंत सर के पास में है। बट जो उनकी जो ट्रेनिंग में जो हमें मिल रहा है, एक जो छोटी छोटी चीज़ें एकदम बारीकी से जो बता रहे हैं, उनकी जो नज़र है वो हमारे अंदर में नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि द थर्ड आई, वी डू नॉट हैव द थर्ड आई, फर्स्ट आई भी ओपन नहीं करना है, ठीक है। उनका एक साइकोलॉजिकल अप्रोच कैसे है, प्रॉपर्टी में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मैपिंग कैसे करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिखाई एंड आई वेरी मच लाइक एंड ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई आइडल। सो हम रहेंगे उनके साथ में एंड आई होप कि सब लोग जुड़े उनसे, गाइडेंस ले राजवंत सर से।